स्वागत है, स्वागत है नए दिन में। आज शिमोनोसेकी जापान दूसरा दिन। आज मौसम बिल्कुल साफ है। शिमोनोसेकी में आज दूसरे दिन रुकने का कारण ये बना, मैं कल आया था, पहले बता दूं, आज दूसरे दिन कारण रुकने का सिर्फ यही था। इसका एक रूफ टॉप व्यू है जो आपको दिखाना चाहता हूं। समुंदर दिखता है सारा और बहुत बढ़िया लगता है। खैर, मैं उससे पहले आपको अपने हॉस्टल का टूर दे देता हूँ। रात कल तो दे नहीं पाए अच्छे से। तो ये अपने रूम्स हैं, मतलब डॉर्म्स हैं यहाँ बने हुए, ठीक है। और यहाँ भी इस तरफ, लेकिन इत्तेफाक वाली बात ये है कि इस पूरे हॉस्टल में मैं अभी अकेला हूँ। और मतलब एक दो गेस्ट होंगे और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ के वॉशरूम्स हैं जी, वॉशरूम लाजवाब हैं। जैसा कि मैंने मतलब देखा है कि गर्म पानी ठंडा पानी दोनों ड्रायर्स पड़े हुए हैं। ड्रायर यूज़ करने की मेरे को बड़ी आदत पड़ चुकी है। और ये है सारा और वॉशरूम लाजवाब। तो इनके लगभग जब से मैं आया हूँ ना कोरिया में, जैसे 10-15 दिन लगाए, अब जापान में दूसरा दिन, सर मैंने अभी तक अपना शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ हर जगह इनके शैम्पू पड़े हुए हैं जापान और कोरिया में। तो शैम्पू, कंडीशनर, ये बॉडी वॉश है, गर्म पानी बड़ा अच्छा है। तो ये है आपके नहाने के लिए तामझाम। दो हैं यहाँ बाथरूम, एक ये और एक ये। यहाँ के वॉशरूम कैसे हैं, तो एक तो ये बना हुआ है और एक है ये सीट्स लगी हुई हैं भाई। अब ये जो सीट है ना, ये मैं बता दूँ, ये 5-star होटल में मैंने इंडिया में देखी थी। इन सीट में हीटर लगा हुआ है और बकायदा ये कंट्रोल फंक्शंस हैं। मैंने आज सुबह सुबह गूगल ट्रांसलेट करके सब समझने की कोशिश की है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो बटन है ना, ये जेट के लिए है। तो आप इस बटन को दबा के यूज़ कर सकते हो। अब गूगल ट्रांसलेट ने क्या किया, मुझे ये तो बता दिया कि इसको चलाना कैसे है, लेकिन इस जेट को बंद कैसे करना है ये नहीं बताया। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैंने बहुत रिसर्च की है सुबह, बट चलाना इससे और बंद इस बटन से करना है। और जब आप इस बटन से बंद करोगे ना, तो 3-4 दफ़ा ये आवाज़ें निकालेगी सीट। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बैठे रहना है आपने, वो 3-4 आवाज़ें निकालने के बाद बंद हो जाएगा सीट। तो खैर, ये है बाहर का व्यू सारा, ठीक है। और हाँ, यहाँ की वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन है, ये ड्रायर है। एक बात आपको बता देता हूँ, अभी तक जितनी मैं दुनिया घूमा हूँ, जैसे लेट से आपको ओवरऑल प्राइस बताऊँ, तो यूरोप में कपड़े धोने का चार्ज है 600 रुपये। वियतनाम में था, वियतनाम में सस्ता था, वियतनाम में सिर्फ लगे थे मेरे 120-130 रुपये में, कपड़े धो के धुल के प्रेस प्रेस करके देते थे वो। कोरिया अब तक का सबसे महंगा देश था, कोरिया में लगे मेरे 700 रुपये, मतलब 700 रुपये लगते हैं अगर आप कपड़े अपने धुलवाते हो वॉशिंग मशीन में। जापान में मैं ऑनेस्टली समझ रहा था, मैं सोच रहा था कि जापान सबसे महंगा होगा, जापान में वॉशिंग मशीन कपड़े यूज़ करना बड़ा महंगा होगा, लेकिन हैरानी की बात है जापान इतना सस्ता यार। 200 येन में कपड़े धुलते हैं और 200 येन अगर आपने कपड़े सुखाने हैं ड्रायर से। तो ड्रायर एक्चुअली जब आप कपड़े धोते हो ना, 200 येन कितने बने हैं पहले तो आपको बताऊँ, 120 रुपये धोने के, 120 रुपये सुखाने के। लेकिन जब आप कपड़े धोते हो तो धोने के बाद ना वो लगभग जैसे इंडियन वॉशिंग मशीन है ना, वो सूख ही जाते हैं, फिर भी आपको धूप में रखना पड़ता है। अब यहाँ जापान में तो धूप निकलती नहीं है, मतलब यहाँ तो बाहर आप टांग भी नहीं सकते हो कपड़े। तो इन जैसे देशों के लिए ये हीटर बनाए गए हैं, कपड़े डालो इसमें और ये पूरा गर्म करके, हीट करके, एकदम जैसे गर्म भाप होती है ना, ये कपड़े आपके सुखा के दे देगा। तो मैंने इसको भी यूज़ किया रात को और इसको भी यूज़ किया। 400 येन लगे, मतलब 240-250 रुपये में मेरे कपड़े पूरे धुल गए, साफ सुथरे हो गए, ठीक है। तो और हाँ, ये मैंने बैज डाला हुआ है यहाँ का। एक्चुअली ये बैज किस लिए यूज़ किया हुआ है, ये बैज है मेरा दरवाज़ा खोलने के लिए। अब इनका मैं आपको टॉप फ्लोर लेकर चलता हूँ, वही है चीज़ देखने वाली। तो भाई ये है इनकी किचन, ओवन पड़ा हुआ है, माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, एयर फ्रायर पड़ा हुआ है, ये गैस है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बर्तन धोने के बाद कहने की ज़रूरत नहीं है कि साफ़ करके रख दो। और ये है इनका मेन व्यू, जो जिसके लिए मैं आज इस हॉस्टल में एक दिन और रुका हूँ। वाह, और मैं भी पहली दफ़ा आ रहा हूँ इस जगह पे। कल तो पूरी बारिश हो रही थी, पिछले
चार दिनों से बारिश ही सह रहा हूँ, पहले कोरिया में फिर जापान में। खैर ये है जी व्यू, क्या ज़बरदस्त है यार ये ब्रिज। रात को जब लाइटें लग जाएंगी तो और चमकेगा और खूबसूरत लगेगा। और ये शिप मेरे सामने एक जा रहा है यार, ये कार्गो शिप है। हाँ ये कार्गो शिप है ये वाला। तो हमारा ना शिमोनोसेकी का पोर्ट यही है, मैं यहीं आया हूँ कोरिया से जापान, यही हमारा मतलब एंट्री हुई थी मेरी परसों और कल सुबह सुबह। तो इसके इस पहाड़ के उधर कोने में पोर्ट है, और यहाँ से यहाँ हालांकि नज़दीक बहुत लगता है यहाँ से, लेकिन मेरे को बस में यहाँ से मेरे अपने इस हॉस्टल तक आने के लिए लगे लगभग आधा घंटा लग गया था। तो क्योंकि बस घूम के आती है ना उधर से पूरी। तो खैर ये है जी व्यू, क्या ज़बरदस्त है। इसी व्यू के लिए मैं आया हूँ यहाँ, और इसी व्यू के लिए मैंने एक दिन और रुका हूँ यहाँ। ये सोफे बड़े यार लाजवाब लग रहे हैं। तो जी मैं ना कल कुछ चीज़ें लेकर आया था, आपको मैं बता देता हूँ रात को यहाँ 7-Eleven स्टोर से मैं क्या क्या लेकर आया हूँ, ठीक है। तो कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे को मिल गई थी अपने काम की। एक तो ये है स्पिनिक एंड चीज़ करी, मतलब हिंदी में कहते हैं पालक पनीर। ये मेरे को पालक पनीर मिला है, और इसको बस ओवन में डालना है, गरम करना है। चावल अपने पास यहाँ पड़े हुए हैं, चावलों के ना यहाँ ऐसे मिल जाते हैं पूरे कॉम्बो से पैक, इसमें मतलब तीन सेट थे, एक तो मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, और एक मैं और लेकर आया हूँ, एक ये वेजिटेबल कड़ी। तो ये एक मैं ऑलरेडी कल यूज़ कर चुका हूँ, इसमें कमाल की कड़ी है, बीच में वेजिटेबल से अलग अलग तरह की पड़ी हुई है, ठीक है। और साथ में ये एक चिप्स का पैकेट लेकर आया था बड़ा सा, और साथ में ये है लेमन जूस। तो अब इसके प्राइस बता देता हूँ सबके क्या है, इंडियन रुपये में बताता हूँ। ये एक एक है 60 रुपये का, 60, 120, 180 के तीन आए थे, ठीक है। ये वेजिटेबल कड़ी ये मेरे को पड़ी 180, मतलब ये पड़ी है 100 रुपये की, 100 इंडियन रुपये की, ठीक है। ये स्पिनिक ये मेरे को पड़ी है 150 इंडियन रुपये की, पालक पनीर, ठीक है। और ये वाला पूरा फुल साइज़ ये चिप्स का पैकेट पड़ा था 200 येन का, मतलब 120 रुपये का। ये जूस की बोतल मेरे को पड़ी थी 140 येन की, मतलब 90 इंडियन रुपये। सबसे पहले तो ना ये, ठीक है, इसको मुझे ऐसे ही ओवन में रख देना 1.5 मिनट के लिए, 1 मिनट का टाइम है, आधे मिनट और। ये वाला जो चावल है इसको भी मैं गर्म कर लूँगा। ऐसे बन के तैयार है हमारे, अब मैं जा रहा हूँ अपनी उस जगह पे। तो भाई खाना लग चुका है यहाँ, पालक पनीर और साथ में चावल। क्या नज़ारा है सामने बैठ के, ये समंदर मज़ा आने वाला है। आपको बताता हूँ कि पहली बार मैं, क्योंकि जापान के पोर्ट स्विचेस बिल्कुल अलग है, तो पहली बार ये वाला पॉइंट यूज़ करने लगा हूँ अपने ट्रैवल अडेप्टर का, ये वाला। क्योंकि यहाँ के जो पोर्ट्स हैं ना वो ये वाले हैं ऐसे, ठीक है, और इसमें जाएगा ये पोर्ट, चल गया ना। तो ये डबल पोर्ट्स यहाँ यूज़ होते हैं, यही दिखाना था आपको। और खैर ये है हॉस्टल अपना। तो जी जितनी वैगन आर मैंने जापान में देखी है ना, उतनी और कहीं नहीं देखी, ठीक है। एक तो ये देखो, सबसे पहले ये वैगन आर आ रही है पीछे, ये नया मॉडल है। और जितनी स्विफ्ट मैंने जापान में देखी है वो भी और कोई गाड़ी नहीं देखी, और मारुति ऑल्टो वो देखी है। कारण सिर्फ एक है, और वो है सुजुकी, जो कंपनी जिसने ये गाड़ियाँ बनाई हैं वो जापान की है। अच्छा जापान में एक चीज़ और है, पता है कि लोगों को कॉम्पैक्ट छोटी छोटी गाड़ियों का बड़ा क्रेज़ है यार। जैसे आपको दिखाता हूँ ये देखो, छोटी छोटी गाड़ियाँ यार, ये मतलब 2-सीटर भी कह सकते हो इनको, लेकिन बड़ी प्यारी लगती है देखने में, और जगह भी ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से वैगन आर से भी छोटी है। ये देखो ना, एक ये खड़ी है, ये मारुति है, ये तो वैगन आर है ना, ये वैगन आर है, मतलब कितनी छोटी गाड़ी। चलते चलते बड़ी अच्छी चीज़ लगी, यहाँ इन्होंने वर्ल्ड मैप बना के रखा हुआ है, और हम हैं अभी इस वक्त शिमोनोसेकी सिटी में, ठीक है। ये जापान है सारा, और ये इस तरफ है बुसान, क्योंकि हम उधर से आ रहे हैं, बुसान कोरिया वो लेफ्ट में पड़ता है, ठीक है। राइट में इधर पड़ेगा USA, बीच में समंदर है, अगर आप गूगल मैप देखोगे तो राइट में सारा USA ही पड़ेगा। अपने हाथ धोने का बड़ा अजीबोगरीब तरीका,
कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि पानी एकदम साफ़ है, हल्का कतरा भी नहीं कोई दिखेगा आपको, पानी है यहाँ ग्रीन कलर का। अरे यार आप यहाँ से थोड़ा नीचे भी देख पाओगे ट्रांसपेरेंसी के बाद, इतना साफ पानी। इसीलिए मैंने कोई वाईफाई नहीं लिया और किसी वाईफाई का रेट पूछने की कोशिश भी नहीं की। फ्री वाईफाई हर जगह, जापान और साउथ कोरिया में तो आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ कि आप कहीं भी चले जाओ पब्लिक प्लेस में। सियोल में तो ऐसा है कि सियोल नाम का फ्री वाईफाई आपके मोबाइल पे 2400 घंटे दिखेगा, आप कभी भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे बुसान में था, तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब। तो भाई आपको क्या लग रहा है कि ये जो चिल्ड्रंस पार्क है ये आज बंद पड़ा हुआ? ये बंद नहीं पड़ा हुआ, चक्कर ये है कि यहाँ पॉपुलेशन ही इतनी है, ये बस इतना ही है। जब यहाँ भीड़ होती है तो यही होता है। तो मतलब आप देख रहे हो कि गिनती के चार बंदे भी नहीं, लेकिन हर काउंटर पे एक बंदा बैठा हुआ है टिकट देने के लिए। मुझे कल डाउट होना शुरू हो गया था। मैं जब रात को यहाँ घूमना शुरू किया था ना, सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ियाँ बहुत कम दिखाई दे रही हैं, तो मुझे बाद में पता लगा कि लोग, एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ। इसमें एक बच्चा है बैठा हुआ अभी, वो पता नहीं स्कूल नहीं गया होगा। बड़ी खुशी की बात है, गलती से वो एक झूला चल पड़ा, उसमें सिर्फ एक ही बच्चा बैठा हुआ। भाई ये ना बस पड़ी हुई है यहाँ। अब यहाँ चक्कर ये कि लिखा पढ़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जैपनीज में लिखा हुआ, इंग्लिश में नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि टोक्यो टू इंग्लैंड, टोक्यो टू यूके, तो लंदन बस है, लंदन ट्रांसपोर्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टोक्यो से कोई ऐसी पुरानी बस चलती होगी जो लंदन तक जाती होगी? हालांकि रास्ता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर टोक्यो से बंदा साउथ कोरिया पहुंच जाए, और पुराने ज़माने में साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया होते हुए रशिया, और फिर आप वहाँ से लंदन जा सकते हो, रशिया से फिर यूरोप की तरफ क्रॉस कर जाओ, शायद ये वो वाली बस होगी। लेकिन मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि मैंने गूगल का यूज़ करके भी ये पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन पढ़ा नहीं आ रहा। सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में आ गया हूँ, और अच्छा है अगर कुछ मिलेगा वेजिटेरियन तो मैं भी ले लूँगा। भाई इस पूरी मार्केट में कंफर्म हो चुका है कि कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है। एक और सुपरमार्केट में आया हूँ, लेकिन आप बताओ यहाँ इतनी चीज़ें पड़ी, इसके बीच में क्या ढूंढो कि वेजिटेरियन है कि नहीं।